सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। तो यहीं पे कुछ कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के मिले और साथ ही साथ हमारे वकील साहब हैं और पूर्व जिला पंचायत सदस्य, इनसे हम कुछ बात करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विपक्ष का कहना है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है वो सब कागज़ में ही है, जमीनी स्तर से कोई काम नहीं हुआ है। जो कह रहा है गलत कह रहा है, हर जगह दिखाई दे रहा है। आपका देवरिया में मेडिकल कॉलेज दिखाई दे रहा है, गोरखपुर में एम्स दिखाई दे रहा है जिसके लिए हम लोग दिल्ली जाते थे, फर्टिलाइजर चालू हो गया, बिजली सब जनता देख रही है, बिजली आ रहा है। अखिलेश के जमाने में तो कभी बिजली नहीं दिखाई देता था, बिजली रहेगा कि नहीं रहेगा, कब आएगा बिजली कभी पता नहीं चलता था। किसान रात को जगते थे कि रात को बिजली आएगा तो हम खेत की सिंचाई करेंगे ट्यूबवेल चला के। अब तो हमारे किसान दिन में ही ट्यूबवेल चला के अपने खेत की सिंचाई और जलाम करते हैं। तमाम लोग रात को सिंचाई करते समय सांप काट लेते थे, जानवर काट लेते थे, सियार काटते थे, लोग मर जाते थे, लेकिन आज दिन में जो है उजाले में सूर्य की रोशनी में अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं और सब लोग सुरक्षित हैं। चलिए, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे। आप नेता हैं, अभिनेता हैं, साथ ही साथ आप एक वकील हैं और ओम प्रकाश राजभर जी का एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है जुगलीबाजी करती है, ट्रेन की सीटें गिनती करा करके बोल रहे हैं कि 72 सीट होता है उसमें, बाकी लोग चढ़ जाते हैं तो उनका चलान नहीं कटता है और बाइक पे जब दो लोग बैठते हैं और तीसरे लोग हो जाते हैं तो उस पर चलान कट जाता है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी को अब क्या कहें उनको। देखिए, जिस आदमी को इतना ज्ञान नहीं है, मोटरसाइकिल पर दो लोगों का चलने का कानून इसलिए बना हुआ है कि दो लोग तक सुरक्षित हैं, जब तीन आदमी मोटरसाइकिल बैठेंगे तो डिसबैलेंस होगा, कहीं भी चल रहे हैं अचानक वो दोपहिया वाहन रुक नहीं सकता है तो निश्चित ही डिसबैलेंस बन के जब आदमी गिरेगा तो अस्वाभाविक मृत्यु हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, इसलिए दो लोगों का बना है। ऐसा नहीं है कि तीन आदमी से चलान होने का कानून बना है, केवल लोगों के सुरक्षा के लिए कानून बना हुआ। ट्रेन तो उलट नहीं रही है, ट्रेन में 100 के बदले 150 भी चल जाएंगे, न ट्रेन उल्टेगा आदमी के चढ़ने से उल्टेगा नहीं, न उसका लोड कम होगा, लेकिन मोटरसाइकिल पर सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। और वो कह रहे हैं तीन आदमी, जिस दिन तीन आदमी कानून पास कर देंगे आधे जो है लोग मर जाएंगे एक्सीडेंट में ही। इस बार 340 विधानसभा भाट पर आनी, क्या यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है? 100% आज परिवर्तन का लहर है। पूरे भाट पर आनी विधानसभा में हम भी रोज 10 गांव में 15 गांव में घूम रहे हैं, हम अकेले घूम रहे हैं, लेकिन लोग एकदम मन बना चुके हैं। प्रत्याशी अब आए हैं, प्रत्याशी के आने के 3 महीना पहले से ही, 5 साल से तो लोग लगे ही थे कि बदलना है, लेकिन 3 महीने से जनता यहाँ की एकदम कमर कस ली है कि कम से कम 50,000 वोट से हम लोग लीड कराएंगे और देवरिया जिले में सबसे लीडिंग का अंतर 1 नंबर पर आएगा भाटपरानी विधानसभा में। सर, हम ये बात कह रहे थे, आप उनका नाम लिए थे ओम प्रकाश राजभर जी का, उनका उनका कौन सा अस्तित्व है अभी? वो जब 2017 का पहले उन्होंने कहा कि जो सपा को वोट देगा अपने परिवार के साथ घात करेगा और वही सपा के लिए वोट मांग रहे हैं। बताइए उनका कौन सा अस्तित्व है? वैसे नेता की कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे नेता की इस भारत में कोई अस्तित्व नहीं है, जो मतलब कि जैसा समय देखा वैसा पार्टी चेंज कर ले। साफ तौर पे कहना है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि ऐसे नेता का कोई अस्तित्व नहीं है कि जब अपना टाइमिंग देखा और तुरंत ही पार्टी बदल करके और उसी पार्टी के विरुद्ध बात करना, उसी के पार्टी के विरुद्ध अशब्द बोलना। चलिए, आपका नाम जानना चाहेंगे, आप बोल रहे थे, नाम बताइए। बोले मेरा, मैं नागेंद्र सिंह कुशवाहा, ग्राम प्रधान नियरवा का रहने वाला हूँ, विकास खंड बनकटा का, और मैं अपने बूथ पे 80% बीजेपी कोट दिलवाने के लिए मैं सक्षम हूँ और मेरे साथ 50% मेरे गांव के मुस्लिम भी मेरे साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने इनको भाट पर आने का, बागडोर संभालने का मौका दिया है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या इस पे किस प्रकार से सक्रिय रहेंगे? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आभार और धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे साधारण विश्वास प्रकट किया, और उससे भी ज्यादा मैं
कृतज्ञ हूँ और ऋणी हूँ इस इलाके की महान जनता का, जिनकी बदौलत पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। ये जो चुनाव है ये सभा कुंवर का चुनाव नहीं है, ये एक ऐसे मोड़ पर है चुनाव कि क्या इस इलाके में विकास होगा या विनाश का जो रास्ता चल रहा है वो होगा। 30-32 सालों से एक ही परिवार जो है इस इलाके पर कब्जा किए हुए है और एक पैसे का काम विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है, पूरा इलाका जर्जर हो गया था। लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी सरकार मोदी जी और योगी जी का और अपने सांसद रविंद्र कुशवाहा जी का, जिनके प्रयास से आप देख रहे हैं मेरे इलाके में कोई एक ऐसी सड़क नहीं है 10 किलोमीटर जो 2 लेन सड़कें न बन रही हो और सुंदर सड़क बन रही है। बहुत सारी सड़कें बन चुकी हैं जो बाकी हैं बन जाए। हमारी सरकार ने गांव-गांव में बिजली के पोल, जहां एक भी घर था वहां बिजली और तार खंभे पहुंचाए हैं और आज प्रदेश में हर जगह जो है गांव में 18 से 20 घंटा बिजली और ऊपर जो है छोटे शहरों में 20 घंटा और बड़े शहरों में 24 घंटा बिजली मिल रही है। तो सारे जो काम हमने किया है और अभी आपने कोरोना में देखा हमारी सरकार ने गरीब लोगों के लिए फ्री राशन का इंतजाम किया था और आज एक बार नहीं दो दो बार फ्री राशन दे रही है, उसके साथ जो है चना तेल और बहुत नमक तमाम चीज़ दे रही है। इन सारी चीज़ों के बदौलत आज हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की महान जनता जो है हमें आशीर्वाद देगी और हमें अपना चौकीदार नियुक्त करके इस बार 2022 फतह करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, कुछ मुद्दे आपके खास होंगे जो विधानसभा के लिए? हमारे मुद्दे खास यही हैं कि जो विकास के कार्य अवरुद्ध हैं आज तक कोई काम इस इलाके के विधायक ने नहीं किया है, जो काम हुए हैं वो सब हमारे सांसद जी के वजह से हुए हैं। अब दबुल जैन की सरकार है दिल्ली में है और लखनऊ में फिर बनने जा रही है, हम सांसद जी के साथ मिलजुल करके इलाके के सभी कामों को, जैसे भाट पर आर्मी रेलवे क्रॉसिंग है बराबर जाम लगा रहता है, रेलवे क्रॉसिंग का निर्माण करना, भाट पर आर्मी अस्पताल है वो ब्लॉक है वो जर्जर हो गया कभी गिर सकता है, ब्लॉक को स्थानांतरित करके नए जगह बनवाना, भाट पर रानी नगर में जल निकासी की समस्या है, 4 महीने तक भाट पर रानी के लोग जो है बुरे हालत में रहते हैं, उस जल निकासी की समस्या को मास्टर प्लान बनाकर हल कराना और भी बहुत सारे काम हैं हमारे इलाके में है। कोई बड़ा PSC नहीं है, PSC है बनटा में भी है, भाट पर में न्यू PSC गाँव में, लेकिन कोई उच्चीकृत अस्पताल नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि भाट पर रानी में एक बड़ा उच्चीकृत अस्पताल बनवाऊंगा, स्वास्थ्य सेवा का भी ठीक कराऊंगा। ये हमारी जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, जनता के लिए क्या कहना, काम जनता के लिए है, जनता हमारी सरकार जो कर रही है वो भी जनता के लिए, जो मैं करूँगा वही जनता के लिए। साथ ही साथ मैं ब्लॉक प्रमुख जी से पूछना चाहूंगा क्या विकास के मुद्दे पे कुछ कहना चाहेंगे? विकास के मुद्दे पर तो इतना विकास हुआ है, जैसे यहीं प्रतापपुर से सोहनपुर हम लोगों को जाना होता था, फिर हरे राम चौराहे से देवरिया निकलना होता था, तो तमाम तरह के हम लोगों को पापड़ बेलना पड़ता था, जो आज हम लोगों का समय जो है 1 घंटा लग रहा है वो समय देवरिया पहुंचने में 3 घंटा लगता था। अगर विकास के मामले में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई भी पार्टी जो है विकास नहीं की, और जो भी पार्टियां इसके पूर्व में रही सिर्फ ये लोग कागज में काम कराते थे। सड़क के मामले में देखिए, और जो भी हम लोगों की आवश्यकताएं हैं हम महिलाओं की, ये देखिए हर घरों में गैस सिलेंडर चूल्हा सब निःशुल्क मिला हुआ है, बिजली के लिए हम लोग तरसते रहते थे, जब रोटी बनाना होता था तब तक बिजली कट जाता था, आज देखिए भरपूर हम लोगों को बिजली मिल रहा है। हम महिलाओं के लिए हर घरों में जो है शौचालय बना है, और दवा इलाज के लिए देखिए तो जो हम लोग मेडिकल के लिए गोरखपुर जाना पड़ता था, आज देवरिया में ही हम लोग मेडिकल पहुंच करके अपना इलाज करा ले रहे हैं। एम्स के लिए जो MP विधायक होते थे उन लोगों से, मंत्री लोगों से हम लोग पैरवी करने जाते थे कि हमारे यहाँ का जो है एक व्यक्ति जो है इस तरह से बीमार पड़ा है उसको एम्स में दिखाना है तो नंबर लगाना पड़ता था, दिल्ली जाने के लिए सोचना पड़ता था। लेकिन आज देखिए अगर एम्स से हमको इलाज कराना है तो आसानी से आदमी यहाँ इंटरसिटी में भाट पर रानी बैठ रहा है, भाट पर रानी से सीधे गोरखपुर जा करके और एम्स में हम लोग इलाज करा के फिर घर पर वापस आ जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं मिलता है, कहीं ना कहीं हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो विपक्ष का कहना है कि जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है सब कागज में होता है, जमीनी स्तर से कोई काम नहीं हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? असल में जो भी ये पार्टियां पहले रही हैं सरकार में, जो विपक्षी पार्टी है, तो वो जैसा की है वही में भरा है।
जैसे आपने सुना होगा कि एक बार बात ये भी आया था जब मोदी जी ने ये सफाई के बारे में बोला था, हाथ को धुलने के लिए बोला था, तो उस पर जो है विपक्षी पार्टियों ने उठाया था कि नहीं नहीं ये तो कितने पैसे का साबुन लग जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टी के समझ में ये नहीं आया कि साफ सफाई रखने से हमें खुद उसका लाभ मिलेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। शिक्षा के बारे में देखिए, अभी जो है ये चुनाव के बाद अभी बोर्ड परीक्षा होने वाला है, हर जगह जो है ऐसे ऐसे सब शिक्षा माफिया थे कि पढ़ने वाले बच्चे थर्ड क्लास पास होते थे, और जो नहीं पढ़ा होता था, स्कूल का मुंह भी नहीं देखा होता था, वो फर्स्ट क्लास पास होता था, उन लोगों की कापियां घर पर लिखी जाती थी। लेकिन आज देखिए हर विद्यालयों में जो है सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है, और सब जो बच्चे जैसा पढ़ने लिखने वाले हैं उस तरह से अपना तैयारी कर रहे हैं, उस तरह से उन लोगों का रिजल्ट आ रहा है। तो शिक्षा है, चिकित्सा है, कृषि के किसानों के लिए भी देखिए हर किसानों के खाते में जो है तीन तीन किस्त पहुंच चुका है, दो दो हजार रुपया, किसान भी खुश है। और ये मतलब कोई भी ऐसा विभाग नहीं है कि सरकार से खुश न हो, आम पब्लिक भी खुश है, हमारी महिलाएं, हो सकता है कि पुरुष लोगों का वोट कुछ इधर उधर हो, लेकिन हमारे महिलाओं का तो एक भी वोट किसी को बहन नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, इतनी हमारी महिलाएं खुश हैं, सारी महिलाएं खुश हैं, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, आप अभी दो तीन महीना पहले देखे होंगे कि उन लोगों को भी जो है योगी जी ने सम्मान दिया है, उन लोगों का मानदेय बढ़ाया है। हम महिलाओं का अगर सम्मान है तो भारतीय जनता पार्टी में ही सम्मान है, और किसी पार्टी में सम्मान नहीं है। 2022 विधानसभा का चुनाव किसका पलड़ा भारी पड़ता है और कौन सी पार्टी विजयी होती है? कैमरामैन अभिषेक के साथ सत्येंद्र शर्मा। चुनाव सर पर आ गया। इस समय हम लखीमपुर खीरी की विधानसभा श्रीनगर के भदूरी गांव में मौजूद हैं। यहां पर हमारे साथ लोग भी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि चुनाव का क्या माहौल है, किसको वोट करेंगे, किसका चेहरा उन्हें पसंद है। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। चुनाव आ गया है, क्या चाह रहे हैं आपकी? साइकिल होना चाहिए। क्या पसंद है तुम्हें साइकिल से? क्या सपा सरकार ने क्या अच्छे काम किए, कुछ बताएंगे लोगों को? अरे काम का करें, बहुत करें, बढ़िया करें। साइकिल ही पसंद है आपको? क्या नाम है आपका? महेश कुमार। क्या चुनाव आ रहा है, किसको वोट करेंगे? माननीय श्री अखिलेश यादव। क्या पसंद आया अखिलेश में, सपा बसपा क्यों नहीं? अखिलेश ने बहुत अच्छा काम करवाया। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? देखन लाल। क्या चुनाव आ रहा है, क्या करेंगे आपकी बात? साइकिल को देंगे, साइकिल को ही वोट देंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, युवा हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। क्या क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरेंद्र कुमार। क्या चुनाव आ गया है यूपी में, क्या करेंगे आपकी बात? चुनाव आ गया है, हम सपा को जिताएंगे। पूरी तरीके से मन बना लिया? बिल्कुल। अच्छे वादे भी किए हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हरीश चंद। चुनाव आ गया है, किसको वोट करना चाह रहे हैं? सपा को ही वोट करेंगे। अच्छे वादे भी किए हैं, बिजली भी फ्री देंगे, खाद भी दे रहे हैं, और कुछ सपा सरकार की कुछ अच्छाइयाँ बताएंगे? कुछ अच्छाइयाँ, बहुत बड़े बड़े काम करी, नंबर चलाया और एम्बुलेंस चला दिया। तो ये भदूरी गांव के लोग हैं, नगर के लोग हैं, और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। क्या चुनाव आ गया, क्या अब की करेंगे, किसको वोट देंगे? साइकिल को। क्या अखिलेश ने क्या अच्छे काम किए, क्या करेंगे, कुछ बताएंगे लोगों को? यूपी 100 पूरी तरीके से मन बना लिए हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? क्या यूपी में चुनाव आ गया, आपकी किसको जिता रहे हैं? साइकिल को जिता रहे हैं, पूरी तरीके से मन बना लिए? हाँ बिल्कुल। क्या सपा सरकार के ऐसे क्या कार्य हैं जो लोग जुड़ रहे हैं, उनसे क्या वादे किए हैं सरकार ने? वो बढ़िया बढ़िया काम करी, एम्बुलेंस है और जो है बढ़िया रोडे हैं, बढ़िया बढ़िया काम कराई जिस तरह, तो वही जरिए से नंबर है ये सरकार ने, तो वही चलवाया सपा ने। चुनाव आ गया, क्या करेंगे अब की साइकिल? बेरोजगारी समस्या है, युवाओं की बेरोजगारी की समस्या है, आप लोगों की। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार मिश्रा। क्या चुनाव आ रहा है, क्या करेंगे आपकी? चुनाव में वोट तो हमारा बीजेपी को ही जाएगा, लेकिन हमारे क्षेत्रीय जो विधायक हैं मंजू त्यागी,
उन्होंने हमारे क्षेत्र में कुछ भी देखा नहीं है, गांव तक नहीं आई है वो, जब से बहू नहीं आई आज भी नहीं आई, अभी वोट मांगने नहीं आई, नहीं आई, लेकिन आप लोगों ने मन बना लिया है, मन पहले से ही बना है योगी मोदी के अलावा वोट देने जो बिल्कुल चाचा का कहना है, गुंडा और माफियाओं के ऊपर बिल्डोजर चल रहा है, हमारे देश का और प्रदेश का बॉर्डरों का सब सुरक्षा है, इसके लिए उनको चुनेंगे। पूरी तरीके से खुश हैं योगी जी से, पूरी तरीके से खुश हैं चाचा, लेकिन जो प्रत्याशी हैं यहाँ के भाजपा के मंजू त्यागी हैं प्रत्याशी यहाँ पर श्रीनगर विधान, उनसे नाराज हैं, विकास कार्य के तौर पर उन्होंने शायद इस गांव में कुछ किया हो, क्या कुछ काम किए हैं यहाँ? कोई कार्य नहीं हुआ, बिल्कुल काम नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी खुश हैं लोग, वोट करेंगे उनको, लेकिन नाराजगी पूरी तरीके से है लोगों में। उन्होंने विकास किया है हमारे देश का, इसके लिए योगी का बनना जरूरी है, योगी के चेहरे पर वोट करेंगे, योगी के चेहरे पर वोट करेंगे, मंजू त्यागी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने विकास कार्य के नाम पर यहाँ पे जीरो ग्राउंड पे रही हैं। श्रीनगर विधानसभा के मूड़ा बुजुर्ग गांव में लोग हैं हमारे साथ, इनसे चर्चा करते हैं आने वाला चुनाव क्या होगा, मूड़ा बुजुर्ग गांव के लोग क्या करेंगे, गांव से पहले बात करेंगे हम। क्या नाम है? चुनाव आ रहा है, वोट डालेंगे? वोट डालेंगे। क्या दिख रहा है आपकी? दिख रहा है वहीं पे डालेंगे। किसको डालेंगे? साइकिल पे। अखिलेश ने बहुत अच्छे अच्छे वादे किए हैं, और मायावती अखिलेश को वोट देंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, और भी युवा हैं, सुनने जाए। चुनाव आ रहा है, क्या नाम है? सुनीता। क्या करेंगे आपके चुनाव में? किसको देंगे? मोदी को। अखिलेश तो बहुत वादे किए हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे किसानों को, इसके पहले तो बहुत यूरिया फ्री देंगे, बिजली है ये लो फ्री का, हम मूड बना लिए हैं पूरी तरीके से। दो साल से जो खवा रहा है यहां। क्या ऐसा दिखा योगी में जो योगी को बिल्कुल? और भी लोग हैं, उससे बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? क्या चुनाव आ रहा है, किसको वोट देंगे, कौन चेहरा पसंद आ रहा है? वोट तो योगी को, मुख्यमंत्री जाने कि उनका बनेंगे कायदे से, योगी को ही वोट देंगे। क्या क्यों खुश हैं योगी से, क्या ऐसा योगी ने किया? वोट सब काम के, लेकिन मंजू त्यागी नहीं। आपकी क्षेत्र के प्रत्याशी है मंजू त्यागी? वो नहीं ठीक है। क्या बताएंगे कुछ लोगों को? बताएंगे हमारे गांव से, यहां देख सड़क उसका बनवाओ, वहाँ नहीं बनी कुछ, निकलना ही पाई। बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे समस्याएं हैं लोगों की, जो अपनी समस्या से रूबरू करा रहे हैं, फिलहाल ये बता रहे हैं कि वोट करेंगे, लेकिन उनसे नाराज हैं, विकास कार्य जो है वो, विकास कार्य की जो गति है श्रीनगर विधानसभा में, विकास का यही सरकार। क्या नाम है आपका? शिव मिश्रा। चुनाव आ रहा है, क्या करेंगे अभी? करेंगे क्या, बीजेपी को जिताएंगे आप? क्या ऐसा बीजेपी ने किया है जो बीजेपी को ही जिताएंगे? बहुत सारे काम अच्छे किए हैं, जैसे कि ना कोई इसमें जातवाद है, और किसानों, गरीब किसानों के लिए बहुत कर रही है काम, इसको 2000 दे रही, 3 महीने में जो दे रही है, उससे बहुत आराम उसको मिला है, गल्ला फ्री सबको मिल रहा है, पांच किलो इसको नहीं खाने को उसको भी मिल रहा है बराबर है, इसीलिए बीजेपी को सपोर्ट करो सर। ये सब और भी लोग हैं बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चुनाव आ रहा है, क्या सोचा है आपकी? सोचा का है वोट तो यह गिनती है, लेकिन चोर बेईमान मक्कार बहुत, रिश्वतखोर बहुत होता है। क्या रिश्वतखोरी या चोरी? कहाँ जाओ कहाँ लाओ पैसा, मगर पैसा कोई काम ही नहीं करता। आपके साथ ऐसा हुआ है, लग रहा है चोरी हुई है आपके साथ? हुई नहीं कहा उनका। तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश का जहाँ जाओ तहाँ पैसा, पैसा कोई काम ही नहीं। देखिए बिल्कुल अपनी अपना पक्ष रख रहे हैं पूरी तरीके से, और भी हैं उनसे भी बात करते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चुनाव आ रहा है, क्या सोचे हैं? बीजेपी है, अन्य सपा या बसपा क्यों नहीं? अखिलेश तो ने बहुत वादे किए हैं, वादे सब करते हैं, कोई नहीं आता, सपा ही भाजपा ही पसंद है। सही है, लेकिन जो है सच्चाई तो बिल्कुल लोगों ने अपनी पूरी तरीके से राय किए। यहाँ पर मूड़ा बुजुर्ग गांव के लोग हैं जो अपनी बात कहे हैं, कुछ दिक्कतें हैं
अच्छा क्या यहाँ पे आवारा पशुओं की भी दिक्कत है किसानों को? क्या इस पे क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को या सरकार को? जानवर नहीं लिए जात, चलिए नहीं जा, ये संदेश देना चाह रहे हैं ना सरकार को? संदेश तो दे ही, कहीं का दे ही, जो सुनती है तो है। लेकिन इनकी समस्या है कि आवारा जो पशु है वो बराबर किसान की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, बाकी लोग खुश हैं सरकार से, लेकिन मेन जो मुद्दा है वो किसानों का, वो आवारा पशु ही मुद्दा बता रहे हैं लोग। चुनाव आ रहा है, सरगर्मियाँ तेज है, 23 तारीख को वोट भी पड़ना है, क्या करेंगे? किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, किसका बच्चों से अच्छा, कौन सा चेहरा अच्छा पसंद आ रहा है आपको? बीजेपी को ही वोट देंगे? क्या ऐसा बीजेपी ने किया जो बीजेपी को वोट देंगे, अखिलेश या मायावती या कांग्रेस? काम बढ़िया करें उनका, चुनाव आ रहा है, किसको वोट देंगे, जो क्या है, कौन सा चेहरा अच्छा लग रहा है मुख्यमंत्री का? अरे हमें तो कहो थे कि ये बीजेपी अच्छी लग रही है, बीजेपी को ही वोट देंगी, बीजेपी पसंद है? क्या ऐसा बीजेपी ने किया जो बीजेपी पसंद आ रही है आपको? तो देखिए माता ने अपना पक्ष रखा है, और भी लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कमल प्रकाश मिश्रा। चुनाव आ रहा है, क्या करेंगे आपकी, क्या दिख रहा है? हमका अच्छा दिख रहा है, बीजेपी के अलावा कोई सरकार, बीजेपी को ही वोट करेंगे, कोई आई है नहीं सरकार। सपा कह रही 300 पार जा रहे हैं आपकी, हम वो पत्तव कहा है, पार वार कुछ नहीं, कैसे? अखिलेश ने काफी वादे किए हैं, 300 यूनिट बिजली भी देंगे, अन्य भी बहुत वादे किए हैं, क्या सोचा है आपने? वादा तो सब करते हैं, लेकिन वादा पूरा कोई नहीं करते, यह जो कहते हैं वो करते हैं। योगी ही क्यों पसंद पसंद का है? योगी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जातिवाद कोई नहीं है ना। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या चुनाव आ रहा है, क्या करेंगे चुनाव? बीजेपी को वोट देंगे। अखिलेश ने तो कई सारे वादे किए हैं कि किसान के लिए ये करेंगे, मोदी को ही क्यों वोट दे रहे हैं? वादा पूरा कहां करते हैं? आवास मिला है आपको, खुश हैं? क्या नाम है आपका? राम राठौर। क्या चुनाव आ रहा है, क्या आपकी सोचे हैं? हम क्या सोचे, हमें के अलावा कब वोट है? किसको? बीजेपी ही क्यों बीजेपी? हम सब दिन ये है कि वोट दिए, सब दिन। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी, प्राइम टीवी कैमरामैन मंजीत वर्मा के साथ। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है, ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। खुद को आजमाया है, तुम्हें अंदाज आया, तुम्हें भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। ना हिंदू में हूँ, न मुसलमान में हूँ, मैं हिंदुस्तान